सदन बाबू पाने आइए सर। कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई, सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स थे उनके साथ भी विचार विमर्श किया गया है कि आने वाले दिनों में हमें अलायंस को लेकर के हमारे साथियों का क्या विचार है। सबकी राय जान ली गई है और सभी विधानसभा सीटों पर जो हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। तो जो सभी साथियों का फैसला है वो बिल्कुल उनकी राय लिफाफा बंद कर दी गई है और वो आदरणीय सोनिया जी और हमारे हाईकमांड के पास गोयल साहब के माध्यम से पहुँचाई जाएगी और जो हाईकमांड के दिशा निर्देश होंगे उसको उसका पालन किया जाएगा। सर, आज की बैठक में आप लोगों ने निर्णय लिया है कि पांचों सीटों की उम्मीदवारी यहाँ से कम से कम तय हो गई है? नहीं, देखिए, हमने सभी तमाम अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा की है। पीसी के अंदर ये प्रक्रिया रहती है कि सभी जो पीसी के मेंबर्स हैं वो कोई ना कोई नाम का सुझाव देते हैं और उनके ऊपर चर्चा की जाती है नामों के ऊपर। वो एक प्रक्रिया फाइनल आज हुई है, पैनल्स तैयार किए गए हैं और आगे सीसी के पास भेजे जाएंगे। आप पांचों सीट पे लड़ रहे हैं ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूर्ण रूप से संभावित जो है हमारे कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं सारी सीटों को लेकर के की गई है, पर फैसला हाईकमांड के ऊपर हम छोड़ेंगे कि जो हमारे सदस्यों की राय आई है गठबंधन को लेकर के वो राय एक एक सदस्य की लामबंद कर दी गई है और जो इंतजार हम हाईकमान के फैसले करेंगे। तो आप लोग चुनाव में मुझे लगता है आज वो राय शुमारी जो हुई है वो आला कमान तक पहुंचा दी जाएगी और उसमें जो भी समय लगेगा और जल्दी से जल्दी फैसला होगा। लेकिन पांच सीटों का घोषणा कर दिया है, इसका मतलब निश्चित तौर पर पैनल बना लिया तो महागठबंधन से अलग ही होकर के आप लोग इस तरह का? देखिए, वो तो सब पार्टियां अपनी अपने कैंडिडेट्स की तैयारी करती है। आरजेडी ने भी किया, हमने भी किया। आगे फैसला जो है वो आला कमांड को करना है। राय शुमारी सारी हो चुकी है और जो भी मेजॉरिटी व्यू है वो मेजॉरिटी व्यू लीडरशिप को पहुँचा दिया जाएगा। आगे जो लीडरशिप देखिए, पैनल तैयार किया है और पैनल के ऊपर अब सीसी के अंदर पैनल जाता है, वहाँ चर्चा होगी कि कौन जो विनिंग कैंडिडेट्स के ऊपर जो चर्चा होती है वो सीसी के अंदर होती है। पैनल सारे मेंबर्स मिलके बनाते हैं, वो पांचों सीटों पे तैयार करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेंबर का क्या इच्छा था कि महागठबंधन में रहें या नहीं रहें? देखिए, वो तो अब लिफाफा बंद है और वो सोनिया जी उसको खोलने का काम करेंगे।